तो चलो गाइज आ गए हम मूलवे। तो मुझे काम है, वो मैं जरा देख लूँ। शूट शायद करना करूँ, चलो कर लेते शूट। पूरा बिल्डिंग 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 और यहाँ पे आम के ये कब खुल गए भाई। ओए हरियाणा वाला गाड़ी भाई ने उधर ही रुका दिया। अभी भी उलवे में बहुत सारी बिल्डिंग्स है अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, बट ठीक है, इसको उलवे में घर लेना है कंसिडर कर सकता है। बाय वन गेट वन फ्री मैजिक का टिकट। ओ नहीं चाहिए बहुत अपने को। अरे यार 4-5 साल पहले उलवे की ऐसी हालत थी, रास्ते ख़राब थे, और ये रास्ता तो बहुत अच्छा हो गया भाई। रास्ते का हालत इतना ख़राब था ना कि क्या बताऊँ मैं। ठीक है अपन इसको बंद कर देते भाई, तो बंद हो जा। तो अब द थिंग इज बंदा ले लेगा था। ये जो ना पूरा सेक्शन 19 का जंक्शन बन गया, पूरा इतना क्राउड हो गया कि मैं क्या बोलूं। ये एक टाइम पे ना ये रास्ता पूरा खाली रहेगा, पूरा खाली। और अब लुक एट द क्राउड मैन, लुक एट द वी मार्ट। सीरियसली बी के बाद वी, मतलब ए बी सी डी से जेड तक अभी मार्ट ही रहेंगे। ये जो है यहाँ पे बामन डूंगरी स्टेशन है, ये जो दिख रहा है आपको, तो स्टेशन के आसपास। ओ शिट कितना क्राउड है बॉस। चलो एक काम करता हूँ, पूरा उलवे घूमना ही है अपने को। तो यस बट या बामन डूंगरी पूरा भर गया है यार, बहुत ही ज़्यादा भर गया है। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हो इसका नाम है उन्नति। ये सिडको का फर्स्ट सोसाइटी है उलवे में, लेकिन इसको बन के 10-12 साल के ऊपर हो गए रहेंगे। ओके सो ये है बामन डोंगरी स्टेशन। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उलवे का दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो बच्चे हैं बिठाए और फ़ोन पे बात कर रहे भाई साहब। गाइस ऐसा मत करो यार, खुद के लाइफ के बारे में मत सोचो, एटलीस्ट ये बच्चों के बारे में तो सोचो। क्यों करते यार लोग ऐसा। क्या मस्त मस्त बिल्डिंग आया है बॉस इधर। यहाँ पे रेड क्लिफ स्कूल भी है। तो इसके आगे चलो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे NMC यार काफ़ी कुछ बन गया है और काफ़ी कुछ बन रहा है। उलवे इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन में बोलूँगा, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। पहले इतना क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। ठीक है पूरा एनएमसी
पूरा यहाँ पे एकदम अच्छा खासा बन गया है। अब यहाँ से भी रास्ता है बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो जहाँ से आइडिया है मैं वहीं से लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, अरे बाप रे, यहाँ पे फॉरेनर्स भी है अपने यहाँ पे। चलो सो या ये है उल्वे ब्रो। ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है ये रेलवे का ब्रिज है, इसके ऊपर से अपना मुंबई लोकल जा रहा है बस। यहाँ पे एसी बसेस वसेस भी चालू हो गया नेरुल रेलवे स्टेशन, यहाँ से नेरुल रेलवे स्टेशन के लिए बसेस मिल जाएंगे आपको, जो पहले भी मिलता था बट आई थिंक एसी बसेस नया एडिशन हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक रिकॉर्ड करूँ जब तक ये मेरा बैटरी डाउन नहीं हो जाता, जस्ट हैवी कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज किंग ब्रो। सो ब्रो यार शी गंदे लोग है यार, ओके स्टील वाले बर्तन 100 रुपये, ओके। यहाँ पे सिडको का है भूमिपुत्र भवन, आगे जाके 17 भी है। बहुत आया हूँ यहाँ पे मैं, और ये रास्ता इतना ख़राब था ना, तो यार रास्ते अच्छे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। तो आज मैं ऐसा रियल इस्टेट ब्लॉगर क्यों लग रहा हूँ। एनीवेज उल्वे का मेरा एक फेवरेट स्पॉट था बट मैं अभी नहीं जाऊंगा वहाँ पे। अब यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, कहाँ से जाऊँ, चलिए यहाँ से जाऊँ। तो जब मैं ये रास्ता बना तब मैं आता था ऐसा घूम, ये रास्ता बन रहा था। आज बन गया है तो फायदा उठा लेते हैं ना। ये जो दिख रहा है आपको रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो ये सेक्टर 17 है उल्वे का, और बामन डोंगरी स्टेशन जब दिखाया है और मैं ये साइड आ ही गया हूँ तो खारकोपर स्टेशन ने क्या गुनाह किया, तो खारकोपर भी देख लेते बस। तो उल्वे में ऐसे दो स्टेशन है, एक है बामन डोंगरी और दूसरा है खारकोपर। तो अगर आप नेरुल से या पनवेल बेलापुर से आते हो तो आपको से बेलापुर के बाद दरगर्ग लगेगा, दरगर्ग के बाद बामन डोंगरी और बामन डोंगरी के बाद खारकोपर, ये जो खारकोपर स्टेशन हम जा रहे हैं वहाँ पर वो लगेगा। यस अभी फिलहाल तो ये 3 स्टेशन है एंड दरगर्ग का मुझे अपडेट नहीं है, स्टेशन चालू हुआ है क्या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दर स्टेशन। हाँ ये दोनों स्टेशन ऑफिशियल हैं और वो
और ये आ गया यहाँ पे खारकोपर स्टेशन। तो चलो वहाँ पे भी दिखा लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बसेस है, मतलब वहाँ पे भी चालू है, मतलब यहाँ से बसेस ऑपरेशनल है। सो वही रहेगा नीरुल। ओ काफ़ी ज़्यादा रास्ता खराब है यहाँ पे, थोड़ा अपन आगे से घुमा लेते हैं। सो यस, यहाँ से रास्ता है क्या? तो ये है खारकोपर स्टेशन, पुलवे का लास्ट स्टेशन है ये। यहाँ से सीधा उरन के लिए लाइन चालू होगा। सो तो ये बेसिकली सेक्टर 16 आता है पुलवे का। चलो देखते हैं, एक और एरिया में बताता हूँ आपको आज। यार ये यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गया ये। आई नो बॉम्बे वालों के लिए ये बहुत सस्ता है, बट यार नवी मुंबई वालों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने यार इसको कहाँ से दिखा रखा, क्या कौन सा हो रहा है पे मस्त वाला 626 हो रहा है। ओ मस्त वाला सनसेट हो रहा है। ये भी सेक्टर 17-18 का जंक्शन आप बोल सकते हो। तो अरे अरे डॉगी। सो ये एक और, सो पूरा उलवे घूमने के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम लगने वाला है। ये सेक्टर 8 आता है लेफ्ट में, और राइट में सेक्टर नॉर्थ रॉन्ग ही नाइन आता है। बट यहाँ से अपन नहीं ये करेंगे, ये बहुत ही अंदर है एक्चुअली, अपने को इतना अंदर जाके मतलब नहीं है। ये सेक्टर 9 है। सो या काफी अच्छा लग रहा है, एक तालाब है। सारे रास्ते अच्छे कर दिए अपार्ट फ्रॉम सम रोड्स। अपना निकलने का टाइम हो गया यहाँ से। चलो अभी अपन सीधा घर जाएंगे। बेलापुर के यहाँ से ना सनसेट लेते हैं अपन, बहुत ही सही सनसेट लग रहा है।
काश मेरा ऑफिस सनसेट से पहले ख़त्म हो जाता, 1:05 बजे 6 बजे तो मैं सनसेट देखने ज़रूर जाता। रेलवे में भी ट्रैफिक होना शुरू, इधर भी कुछ दिन में यहाँ पे सिग्नल आना बाकी है, बस सीसीटीवी कैमरा तो लग गए, सिग्नल लगाना बचा है, वो भी लग जाएगा कुछ दिनों में। सही सनसेट है और अभी अपन ब्रिज पूरा हिल रहा है, वहां से ट्रेन आ जाए ना। कैमरा चालू है अभी, ये लैंडमार्क बन गया। बहुत ही सही है यार, एक तो इसका पीछे वो समझ नहीं रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प कट है, सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं भी मिला तो भी अपने को क्या, अपन चुपचाप अपने यहाँ पर बैठ के खड़े रह के काम करने का। यार ये नंबर नहीं रहता ना प्रॉब्लम होता है, सारा कब चालू करना है कब बंद करना है समझ में नहीं आता। चल तो मस्त पेंटिंग का काम चल रहा, सनसेट का व्यू है, फ्लैग भी एकदम मस्त ये हो रहा है, तो मस्त मछली वछली बना है, कोई तो मेरे को कॉल कर रहा है, अपन इसलिए खाने के लिए रस्ते के बीच में फुव्वारा लगाने का क्या संबंध आता है।
क्या पानी वेस्ट कर रहे हैं। एक तो पानी है नहीं, वाटर कटिंग चालू है सबके घर पे, और यहाँ पे रास्ते के बीच में फुहारा लगा के पानी वेस्ट कर रहे हैं।